क्योंकि 2 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद आर्थर रोड जेल में 8 अक्टूबर की तारीख को गए, और जब उन्हें भेजा गया 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में, तो वो 14 दिन 25 दिन में बदल गया, क्योंकि 5 बार उनके बेल को रिजेक्ट किया गया। मुंबई क्रूज में होने वाली रेप पार्टी की छापेमारी में जो भी सबूत सामने आए, नशीले पदार्थ जो छापेमारी में बरामद किए गए, उन सबको लेकर जांच पड़ताल के बीच जब आर्यन खान को लेकर ये खबरें आने लगी कि शाहरुख के बेटे हैं वो, इस वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। समीर वानखेड़े, केपी गोसावी, सैम डिसूजा के साथ मिलकर पैसे रैमसन्स को लेकर आर्यन खान का किडनैपिंग प्लान कर चुके थे। तो समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है, उन पर ऐसे आरोप लगे, समीर काफी परेशान रहे, वो हाईकोर्ट तक गए, इस मामले से वो साइड हट गए। तो ऐसे में जो है सो दिल्ली से मुंबई पहुंची एसआईटी की स्पेशल टीम और एसईटी की टीम। एसआईटी की टीम 6 केसेस की जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें अभी तक संजय कुमार सिंह के बाद ज्ञानेश्वर सिंह, जो कि एनसीबी के जो है फिलहाल डीजीजी बने हुए हैं, जी हाँ, एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने समन कर लिया है प्रभाकर सेल को। वो प्रभाकर सेल जिन्होंने पहला खुलासा किया कि केपी गोसावी जो है, जो उनके वो बॉडीगार्ड है, जो कि जानते हैं कि 50 लाख की डील हुई थी, आर्यन खान को छोड़ने की डील हुई थी, शाहरुख की मैनेजर पूजा ललाली से केपी मिले थे, अभी से लेकर समन कर दिए गए हैं प्रभाकर सेल स्टेटमेंट के लिए। जो एक्सटॉर्शन का केस है उसे लेकर जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं इस मामले में, उसे लेकर उसे बोला गया है। ऐसे में सवाल ये है कि अब इसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि इस वक्त ज्ञानेश्वर सिंह की स्टेटमेंट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है हर जगह, और आपको बताना चाहेंगे कि अब जो है जांच बहुत मुश्किलों में है। अब मुश्किलों में आर्यन खान को लेकर ही नहीं, शाहरुख ही नहीं, बल्कि एनसीबी की टीम भी फंस गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।